हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे विषयवार खाली रहे पदों की संख्या। तो दोस्तों यानी कितने पदों पे वैकेंसी आएगी इसके बारे में हमने चर्चा करते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में। और दोस्तों अगर अपने चैनल पर कोई भी व्यक्ति पहली बार पधारे हैं तो उनका वेलकम है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको शिक्षक भर्ती की जो भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज होती है वो अपने चैनल पर पहले डाली जाती है और आप सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। तो अगर दोस्तों कोई भी कैंडिडेट लेट हो रहा है कि हमें पहले ये पता चल जाना चाहिए किसी कितने पद खाली रहे हैं, तो इसके बारे में अपने विस्तार पूर्वक आप अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ खाली रहे पदों की संख्या। तो दोस्तों दो साल जो 2016 में एक रीट लेवल 2 के में पद खाली रहे हैं, ये आप देख सकते हो कौन से सब्जेक्ट में कितने पद खाली रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद लेवल 2 में बाद में दोस्तों मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक मैं आपको एक एक सब्जेक्ट्स का बता दूंगा, लेकिन कोई कैंडिडेट्स हो कि हमें कम समय में न्यूज चाहिए तो ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे कि 2018 में इतने पद रिक्त रहे थे, कुल रहे थे 2957 पद, ठीक है। और इसके बारे में अगर दोस्तों रीट लेवल 1 का भी अपने बात करेंगे तो दोस्तों अब अपने बात करते विस्तार पूर्वक न्यूज के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट जो भी आपकी मांग होगी वो अपने चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। तो देख रहे हो ग्रेड 3 भर्ती 2016-2018 की शिक्षक भर्ती में खाली रह गए 13% पद, अब 31,000 पर फिर भर्ती की तैयारी। तो सभी को पता है दोस्तों 31,000 पदों की तैयारियाँ चल रही है। तो दो साल में निकाली शिक्षकों की 68,544 भर्तियाँ, तो यानी 2016 और 2018 के दोनों को मिलाकर के 68,544 भर्तियाँ निकाली गई थी। इसमें 8,428 पदों पर ज्वाइनिंग नहीं किया कैंडिडेट्स ने। तो 8,428 जो वैकेंसी थी उसमें क्या है कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग नहीं किया, यानी उसका कोई अदर जो ज्वाइनिंग मिल गई थी, जैसे अब उस पिछले दो सालों में वैकेंसियाँ बहुत आई थी उनका इसमें हो जाने के कारण जो पद खाली रह गए थे। अब अपने बात करते हैं पूरे न्यूज के बारे में। रीट आरटेट के प्रमाण पत्र से नौकरी देने के नियम के कारण शिक्षा विभाग में शिक्षकों के चयन के बाद भी हजारों पद खाली है। अब शिक्षा विभाग 2 अगस्त को रीट कराने जा रहा है, इसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक के 31,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले 2 बार हुई भर्तियों में पूरे पदों की नियुक्ति ही नहीं दी गई। साल 2016-2018 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के कुल पद 68,544 में से 8,428 पद खाली रहे। वर्ष 2016 में लेवल वन और लेवल 2 में 2,377 पद खाली रहे। साल 2018 की भर्ती में लेवल 1 में 2,928 और लेवल 2 में 2,957 पदों पर कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग करने ही नहीं पहुंचे थे, ठीक है। अब अपने बात करें एक प्रमाण पत्र से 2 बार चयन इसलिए खाली रह गए थे पद, यानी दोस्तों एक प्रमाण पत्र में 2 बार चयन हो गया था इसलिए वो खाली रह गए थे पद। दोनों ही भर्तियों में लेवल 1 में तो रीट और आरटेट के अंकों से ही मेरिट बनी, दोनों में अच्छे अंक पाने वाले दोनों भर्तियों में चुने गए, ठीक है। जिसके अच्छे अंक थे वो दोनों भर्तियों में चुन लिए गए थे। ऐसे में एक जगह ज्वाइनिंग करने पर दूसरी जगह उनका पद क्या रह गया खाली रह गया, लेकिन लेवल 2 में भी रीट के अंकों का 33% और ग्रेजुएशन का 70% जोड़कर मेरिट बनी। इसमें भी टॉपर की स्थिति समान रही और एक भर्ती में पद खाली रह गए। और आप आगे देखें तो लेवल 1 में भर्ती में खाली रह गए पद 2,928 पद, ठीक है। 2016 में 7,806 पदों में से 7,640 पदों पर ही नियुक्ति हुई और 166 पद खाली रहे। 2 साल बाद फिर लेवल 1 में 26,000 में से 23,338 पदों पर ही नियुक्ति हुई और 2,762 पद खाली रहे। इस तरह से लेवल 1 में दोनों वर्षों की भर्तियों में 2,928 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई। सरकार ने इस साल ग्रेड 3 के 31,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए रीट का आयोजन 2 अगस्त का होगा और पिछली भर्तियों में दिक्कतों को दूर करने पर मंथन चल रहा है। ये गोविंद सिंह डोटासरा जो अपने शिक्षा मंत्री ने बात कही है। और यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि रीट और आरटेट के एक ही प्रमाण पत्र पर 2 बार नौकरी लगने के नियम पर विचार कर इस पर रोक लगाने की जरूरत है।
इससे भर्तियों में खाली पद रहने की संख्या में भी कमी आएगी और बेरोजगारों को राहत मिलेगी। ये उपेन्द्र यादव जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि दोस्तों दो दो बार एक ही कैंडिडेट्स को दो दो जगह ज्वाइनिंग वो कैसे कर सकते हैं, इसलिए वो कोई अदर जो व्यक्ति है वो इसके कारण वंचित रह जाता है। इसलिए दोस्तों इसको सुधारना अवश्य है। अब अपने बात करते हैं विषयवार खाली पदों की संख्या के बारे में। तो दोस्तों रीट लेवल 2016 में अंग्रेजी सब्जेक्ट्स के कुल पद थे 5628 और नियुक्ति कर पाए थे 4566 पद और इनमें खाली रहे थे 1062। ठीक है, और हिंदी में 100 पदों की वैकेंसी थी, इसमें 52 ही पद उनकी जो नियुक्ति और 48 पद क्या रहे थे, रिक्त रहे थे। और मैथ और साइंस की बात करें 1759 पदों पे वैकेंसी आई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 502 ही पद ज्वाइनिंग नियुक्ति मिली थी और इसके अलावा 1257 पद रिक्त रहे थे। और SST की बात करें तो SST में देख लीजिए 13 में से 3 पदों की नियुक्ति और 10 पद रिक्त रह गए थे। कुल मिला के सारे 75,000 पद थे, 7,500, और इसमें से 5,123 पदों पर ही नियुक्ति मिली थी और 2,377 पद रिक्त रहे थे। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक हो गई है तो उसमें सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे देख रहे हो लेवल 2 में 2018 के पद। ठीक है, तो 2018 में अंग्रेजी सब्जेक्ट के कुल पद थे 10,770, इसमें 10,027 पदों पे नियुक्ति मिली और 773 पद रिक्त रहे थे। और हिंदी 5,348 पदों पर वैकेंसी आई थी, इसमें से 5,058 पदों पर नियुक्ति और 290 पद रिक्त रहे थे। और आगे देख रहे हो दोस्तों मैथ और साइंस में 208 पद थे और SST में रहे थे 1,051 पद। और संस्कृत की बात करें तो 609 और सिंधी की रही थी 33 पद और उर्दू की रहे थे 23 पद। ठीक है, और इसमें अब लास्ट में पूछे तो यानी 2018 में रिक्त रहे पद कितने थे, 2,957 पद रिक्त रहे थे। तो दोस्तों अगर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को प्लीज़ लाइक और दोस्तों को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो, इसका हम आपके लिए समाधान लेके आएंगे। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार की मेरे से गलती या मिस्टेक हो गई बताते हो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, अगर आगे की जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो अपने चैनल में आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। ओके, बाय।